हाँ जी भाई जान, चारा डाल दिया है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त को, वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलफ राजपूत में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पे हूँ। ये डेयरी फार्म जो मेरे दनान भाई हैं, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जो मेरे पास आए हुए थे, उनका डेयरी फार्म और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए इन्हें डेयरी फार्म बनाए हुए। उस्मान भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी और मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो है ना जानवर वगैरह रखे हुए हैं और मेरा ये प्लान है डेयरी फार्म बनाने का ना। तो मैंने कहा कि हमारे गांव के साथ ही एक गांव है, दनान भाई हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, तो मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा कि इस डेयरी फार्म में क्या प्रॉफिट होती है, ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो आज मैं स्पेशली उस्मान भाई के लिए आया हूँ यहाँ पे और डेयरी फार्म का विजिट भी कराता हूँ आपको, और साथ में दनान भाई से और यहाँ पे जो भाई काम करते हैं उनसे पूछते हैं ये काम कितना मुनाफे बख्श है। तो अभी आपको डेयरी फार्म का जो है विजिट कराते हैं। तो माशाल्लाह से जी इनके पास सारी भैंसें ही हैं, गायें वगैरह नहीं है, तो कुछ दूध दे रही हैं कुछ दूध नहीं देती हैं। तो जो भैंसें, इनको चारा डाल दिया गया और माशाल्लाह से बहुत इन्होंने केयर की हुई है इनकी, बहुत सफाई यहाँ पे रखी गई है, पानी का बंदोबस्त किया गया है चारे के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा नीट एंड क्लीन जो है ना ये बनाया उन्होंने एक होद टैप, और यहाँ पर इन जानवर को चारा डालते हैं। अब ये देखें चारा खा रही हैं सारी भैंसें अपनी अपनी मर्जी से, जहाँ चाहे खड़ा होकर चारा खा सकती हैं। इस साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी हैं। तो असल में ऊपर छत है, उस वजह से थोड़ी सी रोशनी कम होगी, तो इस साइड पे ना वो बाहर इनके लिए धूप का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि इन दिनों धूप में बैठती हैं ये। बाहर से कुछ ऐसा व्यू है डेयरी फार्म का, अभी सर्दी है ना तो वो जानवरों के लिए सर्दी का बंदोबस्त किया गया है ताकि उनको सर्दी ना लगे। साथ में जो है ना गाँव है, गाँव के साथ ही जो है ना ये डेयरी फार्म बनाया हुआ है भाईजान ने, ये देखे माशाल्लाह से। तो ये साथ में सारे खेत का माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस साइड पे चारे शारे का बंदोबस्त किया जाता है। ये अभी भी भाईजान जो है ना चारा बना रहे हैं जानवरों के लिए और अभी इनको डाल भी दें साथ साथ। वैसे यहाँ पे ना ये पीछे जो भाई चारा लगा रहे हैं ना ये काम करते हैं, तो बस इनकी हेल्प को आ रहे हैं। आज जो है ना सुबह की लाइट नहीं आई और जानवर का जो चारा वो हाथ की मदद से हमें काटना पड़ रहा है। तो पहले लोग ऐसे जो है जानवर को चारा डाल देते हाथ की मदद से। तो लाइट नहीं आई थी सुबह की, काफी इंतजार किया, अभी इनकी थोड़ी सी हेल्प करा दिया और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है। और भी उनसे पूछते हैं कि इस काम में इन्हें क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रहा है। तो ये हैं जी हमारे अदनान भाई, कल आपने एक व्लॉग में देखा भी होगा, ये मेरे पास गए हुए थे, ये बता रहे थे कि हमने ना एक छोटा सा डेयरी फार्म बनाया। तो मुझे कॉल की थी उस्मान भाई ने, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन मुझसे लेने की कोशिश की लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तो अदनान भाई के जो बड़े भाई हैं ना उन्होंने बनाया हुआ है फार्म ना, तो सारी देखभाल जो है दनान भाई के बड़े भाई करते हैं। तो जितनी दनान भाई के पास इन्फॉर्मेशन है वो हम इनसे पूछते हैं। दनान भाई डेयरी फार्म कि स्टार्ट किया था सर? ये सारे 1.5 साल तकरीबन, 1.5 से 2 साल हो गए। 2 साल सही हो गया। तो स्टार्ट तू कि भैंसा रखी है? 3-4 भैंसा रखी। 3-4? हाँ सही हो गया। सब तू जी इम्पोर्टेंट गल है दसो कि इस काम प्रॉफिट है? बिल्कुल जी प्रॉफिट है और थोड़ा टाइम स्पेंड करने पैंदा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जिन्नी तुसी आहिस्ता आहिस्ता लगे रहोगे ना मजीद वक्त नाल तुहानू मजीद मजा आएगा काम दा और प्रॉफिट भी उस तरह ही डंगर लिया 2-4 सुई लिया पैसे आने
अर्निंग होंगी है, लेकिन है कि तुम जरा फिर डंगर वधाते हो 30-40-50-100 तक लैके जाते हो, वो फिर वसी पमाने तो होता, फिर तुम्हें ज्यादा बेनीफिट है। ठीक हो गया इतना भाई, हूँ इस टाइम कि दुद्ध जाना किन्ने लीटर दुध तुम सेल कर रहे हो? तकरीबन 75-80 किलो इस टाइम हो रहा, कोई मझा 4 सूने वाली ने। अच्छा, उन्होंने तकरीबन हफ्ते 150 सूने। ठीक हो गया, यानी फिर तुम 150 लीटर के करीब करीब सेल करोगे। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा फार्म था तो मैंने आपको विजिट कराया, तो अभी इंशाल्लाह और गपशप लगाते हैं दनान भाई के साथ, तो फिर मिलते हैं। तो आज जो है ना दनान भाई का जो डेयरी फार्म है ना उसका विजिट किया है, तो दनान भाई जिद कर रहे हैं खाने के बगैर नहीं जाना। मैं तो कह रहा था कि भूख नहीं है, लेकिन दनान भाई ने ये देखे बंदोबस्त कर दिया खाने का, तो वैसे टाइम भी हो गया खाने का तकरीबन ये देखें जी माशाल्लाह। ओ क्या बात है, कौन सा पुलाव है? ये बीफ पुलाव है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया, ये अपना मकरम भाई की रेसिपी है। ठीक 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 ठीक, ये वैसे आपने तकल्लफ किया है ना, जरूरत नहीं थी वैसे तो। मैं तो कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि खाने के बगैर नहीं जाना। अभी ये हमारे मोहसिन भाई जो है ना, ये बहुत अच्छी जो है ना सर्विंग करते हैं खाने की। एक तो जो है ना इवेंट में हम लोग ने इनके साथ जो है ना अटैचमेंट की है और देखा है, तो वो सर्व कर रहे हैं खाना, अभी खाना खाते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना कि जो डेयरी फार्म है वो कैसा है, और भाई ने बताया उसमें माशाल्लाह प्रॉफिट है, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। तो अभी मैं आए हूँ अपने विलेज के दूसरी साइड में, और यहाँ पर बन रहा है गुड़। तो इन दिनों हमारे यहाँ गुड़ जो है ना वो बड़ा मज़ेदार बन रहा है, और सीज़न भी है गुड़ का। तो वो खेत है सामने पीछे, उधर से गन्ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है गुड़, तभी मैं आपको दिखाता हूँ। और खुशबू क्या बात है, ये देखें जी माशाल्लाह। वो सामने हमारा गेहूँ, और इस साइड पे ये लगाया वेलना, ये भाई जान दूसरे गेहूँ के हैं, तो ये चल रहा है जी वेलना। ये देखें जी, ये लग रहे हैं इधर गन्ने, क्या बात। ये पीटर के साथ जो है ना, इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है इसका ना, इस वेलने का, और वहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म गुड़। ये कुछ इन्होंने ना इसमें डाला हुआ है, ये थोड़ी देर के बाद इसको निकालेंगे, और दूसरा ये रखा हुआ है ऊपर। ये भी तकरीबन इसका जो रंग है ना वो चेंज हो गया, तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये भी गुड़ बन जाएगा। और साथ में ना यहाँ पे सेल के लिए रखा हुआ है, लोगों को चाहिए हो तो वो आके ले जा सकते हैं यहाँ से ना गुड़, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। ये देखें इधर बन रहा है, और इधर सेल के लिए भी लगाया हुआ है इन्होंने ना। ये जिसके ऊपर गुड़ बन रहा है ना, ये सारा मिट्टी का बनाया हुआ नीचे, इसको बोलते हैं चुंबा। अभी दोबारा से नया जो है ना गुड़ वो बनाते हैं। कपड़े के साथ जो है ना वो मैल निकल जाती है, तो जो गुड़ है ना वो बेहतरीन और साफ बनता है। मेवे, वाह जी वाह। और इसमें मेवे डाले हैं, इसे हम जो है ना तूर बोलते हैं अपनी जुबान में, पंजाबी जुबान में, और माशाल्लाह ये खाने के लायक है बिल्कुल। तो गर्मा गर्म ताज़ा गुड़ खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये भाईजान जो है ना, इन्होंने अपने लिए बनवाया ये वाला ना, इसमें जो है ना सारे मेवा जार डाल के, हमने भाईजान से रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए दे दें। हम जो है ना दोबारा अपने लिए बनवाएंगे, लेकिन आज नहीं, जब हमारे दोस्त आएंगे वकार भाई, क्योंकि वकार भाई को ये बहुत पसंद है,
अभी ये गर्म है वैसे ना, ले 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 सारे बंदे ले। वैसे भाई ना भाई खाए, और भी दोस्त आ गए हैं। और अभी यहाँ मैंने पीछे मजीद गुड़ बन रहा है, तो आपको शोर का पता चल रहा है, जो पीटर है बम्बी हम इससे बोलते हैं वो चल रही है। तो ये अभी थोड़ा सा रह गया, ये तो मैं तो खाऊंगा, वाकई बड़ा मज़ेदार बन रहा है। तो इस व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा सा डेयरी फार्म जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और जो है ये कैसे गुड़ बन रहा है, तो मेरा दिल किया मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग और ये डेयरी फार्म की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है समझ आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।